दुनिया बुरा कहने से कुछ नहीं होगा, वक्त की शाखों को हिलाना पड़ता है, खुद के दिया को खुद को जलाना पड़ता है। कौन भी नहीं हमारा सपोर्ट करे, इन्हें सपोर्ट करे, अल्लाह उनको अच्छा करेंगे, अभी ज्यादा देश की हिदायत करेंगे, अभी गरीबों को मदद करेंगे, इनके तरफ से हमें बहुत अच्छा तकलीफें दूर हो रही है, बीमारियां भी दूर हो रही है, अच्छे के वास्ते पैसे आ रहे हैं। भी नहीं है हमारे यजमान, उन्हें मदद कर रहे ना, वजह से इनकी मदद बस, अल्लाह उनको अभी रिजक दें दे, अल्लाह उनको बरकत दें दे, दौलत दें दे। क्या भी नहीं करती, घर में छे हमारे यजमान नहीं है, कमे में बरकत दें दे, तंदुरुस्ती दें दे, अल्लाह और भी दें दे, और भी गौर गरीब को चहन दे, उनकी तंदुरुस्ती देखो, उनकी सेहत ताकि तंदुरुस्ती करके उनके औलाद अच्छे रहें दे। मैं क्या भी नहीं दे भाई, क्या ऐसा दे तो मैं तुम्हारा महीना वक्ता से शुगर है, बीपी है, हाथों का दर्द है, वक्ता से क्या भी तो नहीं है। बोलो बोलो, तुम्हारे गांव ಏನು ಫ್ರೀನಾ ಅದು ಏನು ಗರೀಬಾಂಗು ಮುಂಚೆ ಬಹುತ್ ಮದತ್ ಹರ ಮಹಿನಾ ಹರ ಮಹಿನಾ ಮುಂಚೆ ಬಹುತ್ ಗರೀಬಾಂಗು ಮದತ್ ಹೈ बहुत लोगों को भी आजू बाजू के वालों को मदद है, कोई जो भी ऑपरेशन छोटा मोटा ऑपरेशन को इससे पैसा होना का तो भी मदद करती है, पैसा महीना महीना हर में गरीब घर को 2,000-3,000 जाकर मुफ्त पैसा देती है, वहाँ अस्पताल भी मुफ्त में खुली इधर है। अस्पताल खुलने से पहले जी अगर तीस किलोमीटर 20 किलोमीटर बेंगलोर 60 किलोमीटर भी जाना ज्यादा परेशानी है, तो ये खोल को बहुत सहूलत करे गरीबों के ना, गरीबों को बहुत सहूलत दी हुई। अब देखें तुम्हें अच्छे, अब थोड़ी देर पहले तुम्हें देखे आदमी आदमी को 2,000-3,000 500 आदमी को तो भी बटा पैसा हुआ, चार्जेस है क्या तुम्हें? चार्जेस नहीं होता, थोड़ा कम 50 रुपया, ज्यादा तो नहीं, ज्यादा चार्जेस नहीं, अच्छा से अच्छा इलाज भी मुफ्त है। पंचटली मालूर तालुक कोला डिस्ट्रिक्ट मुखी महंगी पंचटली के पंचोटेली की फैमिली, जमींदार से भी हैं इधर, इनके इनके वाले से भी हैं इधर, इनके दादा परदादा वाले पूरे इधर रहने वाले ना, तो उनके पीछे बहुत सारे खिदमत रहे हैं, खिदमत रहे हैं पहले से, यानी पहले से भी यहाँ से खिदमत करने को जा रही हूँ। आपका नाम? शकील बेग। क्या आपका कारोबार? चाची होटल। नाम हमें सब उस्मान बोल को बुलाते हैं इनको, इनका खास नाम अहमद अली बेग है, इन जब से उरूजी में आए सबकी खिदमत करने को चाह रहे हैं, खानदान वालों की, गांव के गरीबा बेवा यतीमा शादियों के वास्ते, और दूसरे क्या भी दीनी इदारे हो क्या भी बनने के वास्ते सपोर्ट है, और यहाँ टेकल रेलवे स्टेशन में एक मस्जिद अब तामीरी काम खड़गा है, मस्जिद भी बना कोई नहीं, मस्जिद का वो तामीरी काम खड़गा है, वो पूरा करा को दे तू घर को वादा करके, लॉकडाउन के बाद से इन सबकी भी मदद करने को चाहिए, बेवायां को ये दवाएं लेने वाले को सभी 1,000-2,000 बहुत जरूरी, ये हॉस्पिटल है सोने पे सुहागा हम ना, ये नहीं तो अब यहाँ ऐसा इन पूरा इंतजाम कर रही है, क्या भी हो बड़े से बड़े इलाज को भी फर्स्ट एड करके पेशेंट को बेंगलोर या कोलार बड़ी हॉस्पिटल तक जाने का सब एम्बुलेंस का सब इंतजाम करती बोल को ये पूरा यू नो इजाद करे, मगर इनको ये कोरोना में लाइसेंस नहीं मिला सोचते जरा ये सभी ताखिर हो गए, सो अब आगे चल को सब अब ओपन कर ले को जारी, इनके दवाया को कुछ भी मदद होने दे कर को, मेन शुरू करे सो बेवा यहाँ का, उसकी जोड़ में अभी यहाँ जो मजबूर है काम नहीं कर सकते बुजुर्ग उनको भी दे रही पैसे, इन देखो इनकी मदद कर लग जा रही है। अस्पताल खुलने से पहले यहाँ लोगों को तबियत के वास्ते जाना तो कितनी दूर होता था, कितने किलोमीटर होता था? यहाँ से जाना तो मालूर जाना, बंगारपेट जाना,
बंगारपेट यहाँ से 17, मालूर 16, कोलार 18, बड़ी हॉस्पिटल बोले तो कोलार या बेंगलोर, मालूर ये टेकल में है, ये तबरते चाहिसच ऐसा दूसरी फैसिलिटी नहीं है, इनो पूरी फैसिलिटी यहाँ बनाने की कोशिश कर लको ही। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारा सफर कोलार से शुरू होकर बंगारपेट, बंगारपेट से केजीएफ, केजीएफ से हमें मालूर ताल्लुक में खड़े हुए हैं। ये मालूर ताल्लुक में हमारी कंपनी का जियो हॉस्पिटल हमने गरीबों के सिलसिले में मैंने खोला, इसलिए खोला कि लगभग यहाँ पर 150 देहात हैं यानी खेड़े, यहाँ पर जो विलेजेस हैं यहाँ के लोगों को हॉस्पिटल की भी तकलीफ या आने जाने की बहुत सी तकलीफ थी, तो लिहाजा मेरे दादा के नाम से, खादर बेग के नाम से मैंने हॉस्पिटल खोल कर सारी आवाम की खिदमत के लिए खोला, ताकि यहाँ के छोटे मोटे गरीब लोग हैं जिनको 100 रुपये ऑटो को खर्च करके जा नहीं सकते, हालात है उनके लिए अगर 500 रुपये भी मिले तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो लिहाजा मैंने हर डिस्ट्रिक्ट में कौम की खिदमत के लिहाज से मैं हर जगह खिदमत कर रहा हूँ। मुझे कोई पार्टी से लेना देना मकसद नहीं है, कोई चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेडीएस हो, चाहे दूसरी और पार्टी हो, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि आज मैं देने वाला हूँ, कल लेने वाले भी वो भी देने वाले बन जाए। अल्लाह से मेरी गुजारिश यही है कि अल्लाह सबको देने वाला बनाए, लेने वाले से हिफाजत फरमाए। सर क्योंकि सरकार का काम है जगह जगह पर जो है अस्पताल खोलना, सरकार जो है एक तरीके से सरकार की नाकामी है, इसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए सरकार अगर सोची तो हमारा हिंदुस्तान डेवलपमेंट हो सकता है, चाहे वो किसी पार्टी से हो, लेकिन सरकार सोचती ही नहीं ना कि लोगों के दुख दर्द समझे। हर आदमी आता है, हर चीफ मिनिस्टर आता है, हर MLA आता है, हर MP आता है, अपना अपना भाषण दे के अपने स्टेज पर अपना सैरन डाल के आके अपने सिक्योरिटी के साथ चले जाते हैं। मैं हर सरकार, चाहे वो कांग्रेस हो, JDS हो, BJP हो, सरकार से कहता हूँ स्टेज पे तुम बोलने से बेहतर है 10 गरीबों को बुलाकर स्टेज पे उनसे पूछो उनकी तकलीफ क्या है, तो इंशाअल्लाह वो 10 गरीबों में क्या है 1 लाख आदमियों का दुख दर्द उनकी जबानों पे जारी रहे। देखिए पंचायत के लोगों से भी मैं कहता हूँ, बड़े बड़े लीडरों से भी कहता हूँ, अगर कोई भी प्रोग्राम करे, कोई भी MLA आए, तो वो MLA से ये गुजारिश करे कि भाई इस मरतबा हमारे इलेक्शन में हमको पैसा नहीं चाहिए, हमारा दुख और हमारी तकलीफ को कैसा सॉर्ट आउट किया जाए और किस तरह उसको हल निकाला जाए, उस तरीके से हमको सोचना चाहिए। हर पंचायत से ही हर चीज जीतती है, चाहे जब तक पंचायत के लोग मिलकर कोई एक सजेशन नहीं निकालते, वो MLA हो या MP हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, हर पंचायत से ही एक डिसाइड होता है कि इलेक्शन किस तरीके से जीतना है, किस तरीके से हारना है। देखिए सारे सरकारों से, सारे पार्टियों से मैं कहता हूँ, गुंडेगिरियों को छोड़कर जो गुंडा लोग हैं उनके ऊपर फोकस करने से बेहतर है यंग लोगों को, यूथ लोगों को, और एक अच्छे सीधे एक बिजनेस लोगों को एक लीडर की तरह उभार कर उसको एक मौका देना चाहिए। अगर इंशाल्लाह हमें बिजनेसमैन या अच्छे लीडर या अच्छे यूथ लोगों को अगर हमें आगे ले आएंगे तो वो हमारे देश के लिए बेहतर होगा। रियासत में अगर लेजिस्लेटिव के लिए आप इलेक्शन लड़ना चाहें तो कौन सा हलका आपको पसंद है, कहाँ से लड़ना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो लोग यते चाहने वाले हैं, मैं जिस एरिया से खड़ा हूँ तो इंशाल्लाह 100% जीत सकता हूँ, लेकिन मैं इस मरतबा इलेक्शन लड़ने का नहीं, मैं कोई भी पार्टी जो भी कर रहे हैं तो इंशाल्लाह मैं MLC या आगे का कुछ सोच रहा हूँ, आगे MLA खड़े होकर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि एक कॉन्स्टिट्यूट को अच्छा सपोर्ट करूँ। नौजवान जो आगे बढ़ना चाह रहा है उसको डिमोटिवेट करते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहता हूँ बोलने वाले को बोलने दो, समझ में आ रहा है? मैं जो चीज कहता हूँ ये वक्त के हालात हैं। मैंने एक शेर भी कहा था, दुनिया बुरा कहने से कुछ नहीं होगा, वक्त की शाखों को हिलाना पड़ता है, खुद के दिया को खुद को जलाना पड़ता है।